हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वेलकम टू अन एकेडमी। यहाँ पे इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक 14 साल की बच्ची की एंड सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की। किस चीज़ से रिलेटेड? अबॉर्शन से रिलेटेड। तो एक माँ को क्या जरूरत पड़ी, एक माँ को क्या जरूरत पड़ी कि उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अबॉर्शन के लिए, राइट? तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी और इसके साथ साथ इस क्लास में, इस वीडियो के थ्रू आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि अबॉर्शन के क्या रूल्स हैं यहाँ पे इंडिया में, किस तरीके से क्या रूल्स हैं रिलेटेड टू दी दी टर्मिनेशन ऑफ योर प्रेगनेंसी। ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, एज यूजुअल, हम आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे लर्नर्स, उन्होंने इस बार क्रैक किया है यूपीएससी 2023 और बाई obviously टेक द हेल्प ऑफ अन अकेडमी के एजुकेटर्स, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए उनको बहुत सारा बेनिफिट हुआ था। एंड अगर आप भी ये बेनिफिट उठाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द कोर्सेज अवेलेबल ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है 1-on-1 मेंटरशिप, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सही गुरु मिल जाता है ना, तो फिर आपकी राह बहुत आसान हो जाती है। तो 1-on-1 मेंटरशिप है, डाउट सॉल्विंग, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका जीएस पोर्शन कवर कराया जाएगा। उसके अलावा सीसैट, एसे राइटिंग एंड करंट अफेयर्स। भाई, करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि तीनों स्टेजेस यूपीएससी के जो है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट ऑल्सो। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में कोर्स करना है, तो करोल बाग का हमारा जो लर्निंग सेंटर है, आप वहां पे जा सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी यू कैन गेट दी डिटेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो मुखर्जी नगर में भी हमारा सेंटर है, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड यू विल गेट थ्रू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम प्रयागराज में भी आ चुके हैं, तो अगर आप प्रयागराज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी वहां पे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं टू गेट दी डिटेल्स। अनअकैडमी स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रन करती है, तो आप ये टेस्ट देकर के भी जो ऑफर मिलेगा आपको, उसके बेसिस पे यू कैन गेट दी कंसेशन एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक दी एडमिशन ऑल्सो, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, यहाँ पे 14 साल की छोटी सी माइनर बच्ची जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी, और 30 वीक्स की प्रेगनेंसी ये हो गई थी। तो 30 वीक्स की प्रेगनेंसी को, यहाँ पे ये 30 वीक्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, अबॉर्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया। पहले बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा गया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको करने से मना कर दिया। फिर लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट के पास गजाया गया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि हाँ भाई, इसको टर्मिनेट कर दी जाए, इनकी मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए कि भाई छोटा सा बच्चा है, वो खुद एक बच्चे को कैसे हैंडल करेगा, राइट? एंड अलॉट मेनी थिंग्स वर देयर, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको टर्मिनेट करने की इजाजत दे दी गई है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे 30 हफ्ते दिया हुआ है, 30 हफ्ते, सो दिस इज द रीजन। 30 वीक्स की प्रेगनेंसी में बच्चा अच्छा खासा डेवलप हो जाता है, एंड उसके बाद उसको अबॉर्ट कराना, मतलब इट्स लाइक अ मर्डर ओनली। तो वहां पे अब किस तरीके की रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर हम जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ऐश्वर्या भाटी जी, जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपना पावर आर्टिकल 142 जो इनको एक एक्सेप्शनल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मैटर पे डिसीजन लेने के लिए, अपने हिसाब से अगर उनको लगता है कि यहाँ पे जस्टिस करने के लिए हमको थोड़ा आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, तो वहां पर वो जाने की इजाजत कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 142 से। तो इसका इस्तेमाल करिए और आप इनको जस्टिस दीजिए। तो यही आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए, माइनर को अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाजत दे दी। यहाँ पे
इंडिया की बात करें, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल नजरिए से अगर हम देखेंगे किस तरीके से चीजें यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन से रिलेटेड डेवलप करी हैं, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले तो जाएंगे 1960s में. 1960s तक तो अबॉर्शन कराना इलीगल था. अगर हुआ, अबॉर्शन हुआ, तो उसमें 3 साल की सजा औरत को हो सकती थी, उस लेडी को, और उसके साथ साथ फाइन भी हो सकता था, या दोनों में से एक, या फिर दोनों ही चीजें हो सकती थी 1960 तक. बट लेटर ऑन 1960 के ही मध्य में, मिड में ही शांति लाल शाह कमेटी एस्टैब्लिश करी गई. कभी भी कोई कमेटी बनती है तो उस कमेटी का नाम उस कमेटी के चेयरमैन के नाम के ऊपर ही पड़ जाता है. तो शांति लाल शाह कमेटी, इट मींस कि इनके जो चेयरमैन थे डॉक्टर शांति लाल शाह थे इस कमेटी के. तो शांति लाल शाह कमेटी के अंतर्गत ये रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया कि भाई आप रिपोर्ट बनाइए कि ये अबॉर्शन से रिलेटेड कि हम क्या चीजें यहाँ पर एड कर सकते हैं लॉ लाने के लिए, एक्ट लाने के लिए, आप बताइए, सजेशन दीजिए. उन्होंने स्टडी किया, रिपोर्ट सबमिट करी, फिर यहाँ पर इस रिपोर्ट के बेसिस पे फाइनली मेडिकल टर्मिनेशन बिल जो है वो आया. दोनों ही सभाओं में इसको पास कर दिया गया और 1972 में ये फाइनली अप्लाई भी हो गई एक्सेप्ट एक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, उस टाइम एक्सेप्शंस थे लेकिन अभी नहीं. ठीक है, सेक्शन 312 हमारा जो इंडियन पीनल कोड 1860 का, ये तो बहुत अब तो पुराना हो गया भारतीय न्याय संहिता. अब यहाँ पे ये जो सेक्शन 312 है ये क्रिमिनलाइज करता है वॉलंटरिली कॉजिंग मिसकैरेज. हमें मिसकैरेज बोलने का मतलब है अबॉर्शन. ठीक है, यहाँ पे अबॉर्शन से कहने का मतलब अगर आपने अपने जान बूझ करके अबॉर्ट किया, या फिर इवन वेन द मिसकैरेज इज विद द प्रेग्नेंट वुमेन्स कंसेंट, जान बूझ करके किसी का आपने अबॉर्ट करा दिया, या फिर उस वुमन की ही मतलब उस वुमन को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उसकी इच्छा के साथ आपने अगर अबॉर्ट कराया है, तो यहाँ पर आपका आपके ऊपर क्रिमिनल जो केस है वो चार्ज कर दिया जाएगा, आपको क्रिमिनल टैग कर दिया जाएगा. यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे अबॉर्ट की बात हो रही है, मिस्टेकनली अगर कुछ होता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर आपने इसको बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए किया, तो इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी डेंजरस फॉर यू. इवन एट दैट पर्टिकुलर टाइम दिस वॉज देयर. दिस मीन्स दैट अब यहाँ पे एक और चीज था कि वुमन अपने भी मर्जी से ये डिसीजन नहीं ले सकती थी. इवन इफ वुमन फील्स लाइक कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, देन ऑल्सो इट वॉज लाइक कि नहीं अबॉर्ट आप नहीं करा सकते हो. ये कैसा है, यूएस में भी अबॉर्शन लॉ इसी तरीके से है. यूएस में क्या सीन है, अबॉर्ट आप नहीं करा सकते हो नो मैटर व्हाट. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वुमन की अगर लाइफ खतरे में है तो भी आपको यहाँ पे कंसल्ट करना होगा, तभी आप जाकर के अबॉर्ट करा सकते हो. तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, देन आल्सो इट वाज रियली वेरी स्ट्रिंजेंट. उसके बाद भी, आने के बाद भी मेडिकल टर्मिनेशन के लिए जो रूल्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे. इसमें कह रहा था कि अप टू 12 वीक्स, 12 हफ्ते तक की जब प्रेगनेंसी होगी, तो एक डॉक्टर की ओपिनियन के बेसिस पे अबॉर्ट कराया जा सकता था. उनकी स्टडी होगी, उसके बाद देखा जाएगा हाँ भाई अबॉर्ट करा सकते हैं तो करा देंगे. उसके पीछे भी प्रॉपर एडिक्वेट रीजन होने चाहिए. इसके अलावा 12 से 20 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी होती है, इस पर्टिकुलर केस में 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. 12 से 20 हफ्ते, 12 टू 20 वीक्स की ओपिनियन यहाँ पर जो प्रेगनेंसी होगी, ऑब्वियस सी बात है उसमें डिफरेंट रीजंस इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसे कि हाई रिस्क ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, उसकी हेल्थ हाईली अफेक्ट हो सकती है, या फिर ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, उसके फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ को बहुत ही खतरनाक तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है, शी इज नॉट मेंटली वेल, या फिर जो नया जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा, वो पैदा होने के बाद उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी जिंदगी बना देगा. तो इस तरीके के जो टॉपिक, इस तरीके की जो चीजें हैं, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे टर्मिनेट किया जा सकता है. बट यहाँ पे फिर भी बहुत सारी चीजें मिसिंग थी. लेटर ऑन 2021 में यहाँ पर चेंजेस करे गए और यहाँ पे जो प्रेगनेंसी एक डॉक्टर की ओपिनियन के बेसिस पे 20 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करी जा सकती है. ये जो है इसमें चेंजेस करे गए मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के अंतर्गत. उसके बाद ये एक डॉक्टर के ओपिनियन पे, फिर 2 डॉक्टर्स या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कह सकते हैं आप, उनके बेसिस पे 20 से 24 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होगी तो वहां पे उनका मेडिकल वहां पे जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है
दो डॉक्टर्स की ओपिनियन के बेसिस पे। अब पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, मैंने आपको कहा था ना कि 30 हफ्ते याद रखिएगा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 24 हफ्ते तक का ही टर्मिनेट किया जा सकता है इस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। ये रीजन है जिसकी वजह से इनको कोर्ट में अप्रोच करना पड़ा। अगर कोई डॉक्टर कर देता इलीगल तरीके से तो उसके ऊपर केस हो सकती थी, कोई और कर सकता था। सो दिस इज द रीजन व्हाई कोर्ट को अप्रोच करना जरूरी था। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 हफ्ते की है तो क्या सेवन कैटेगरीज में उन्होंने चीजों को स्पेसिफाई कर रखा है, विमेन को कैटेगराइज कर रखा है कि इस तरीके के होंगे तो उस केस में आप जो है टर्मिनेट करे जा सकते हैं। जैसे कि माइनर हो गए, है ना, माइनर बच्चे हो गए, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो गया या फिर रेप इंसेस्ट की केस हो गए, इस तरीके की चीजें। मैरिटल स्टेटस जो है वो लेडी का चेंज हो गया, शी वाज प्रेग्नेंट एंड ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपेंड टू हर हस्बैंड, या फिर जो है चीजें बदल गई शादी में एंड अब नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, विच वॉन्ट बी गुड फॉर हर और फॉर द चाइल्ड। पर डिफरेंट तरीके के सिनारियों को कंसिडर करते हुए तो उस पर्टिकुलर केस में भी टर्मिनेट किया जा सकता है। विमेन अगर फिजिकली डिसेबल्ड है, नॉट वो अपने आप बच्चे का प्रॉपर ख्याल नहीं रख सकती है, मेंटली इल है, या फिर फीटल मैलफॉर्मेशन हो रखा है, बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो रखा है, तो उस पर्टिकुलर केस में विमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स, जैसे कि कैसा कुछ रीजंस ऐसे हुए जैसे कि विमेन प्रेग्नेंट हुई इमरजेंसी के टाइम पीरियड में, कोई डिजास्टर के टाइम पीरियड में, एंड उस टाइम किसी गलत सिचुएशन में पड़ के इस तरह की कोई चीज हो गई और लेडी चाहती है कि नहीं मुझे टर्मिनेट करनी है अपनी प्रेगनेंसी को, तो उस पर्टिकुलर केस में सारे सिनारियों को कंसीडर करते हुए किया जा सकता है। तो विमेन को ये 7 कैटेगरी में कैटेगराइज करके फिर उनका पर्टिकुलर स्टडी किया जा सकता है कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए मेडिकल टर्मिनेशन। तो ये कुछ रूल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारे देश में, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज देयर इन आवर कंट्री। ये पूरा आर्टिकल कोई बहुत ज्यादा खुशी वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जो मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा या फिर हो सकता है जो एग्जाम में हो या फिर जो अपनी लाइफ में इस चीज को अप्लाई करना चाहते हैं। इस यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो एक्ट है इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये अनमैरिड विमेन को कंसीडर नहीं कर रहा है, ये 7 कैटेगरी में आप देख सकते हो, क्योंकि अब इसको कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, तो इसको कंसीडर कॉग्निजेंस में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट हैज बिकम रियली वेरी एविडेंट लिव इन रिलेशनशिप या फिर विदाउट लिव इन रिलेशनशिप भी पीपल आर टुगेदर कपल्स ना, सो दिस इज द रीजन व्हाई ये अनमैरिड विमेन को भी कंसीडर करना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो गया। लुकिंग एट द सिनेरियो कि हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो नील डाउन हो रहे हैं उसको अगर हम देखें, जिस तरीके से चीजें अभी टर्न डाउन टर्न हो रही है वेस्ट की तरफ एंड वेस्ट ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हमेशा सोचते हैं दूसरे की थाली में घी ज्यादा है, तो वही वाला सिचुएशन चल रहा है। खैर, तो इस पर्टिकुलर केस में डेफिनेट सी बात है कि इसको कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। खैर, सो विद दिस थिंग आई एम एंडिंग माय सेशन, आई होप यू पीपल एंजॉय, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम, जय हिंद।